हम आपको अब सीधे लिए चलते हैं बुलंदशहर। नरोरा से संजय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय वहां की दिखा भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर हैं, और संजय, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि माता पिता ने नाम रखा कल्याण और उनका लक्ष्य था लोगों का कल्याण, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या नरोरा के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें याद करेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का एक दिव्य भव्य राम मंदिर बने, उसके लिए निरंतर लगे रहे। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम ये कहना चाहें कि उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान की और साथ में ये भी कहा कि ऐसी 100 सरकार में कुर्बान करने को तैयार हूँ, मैं जिस काम के लिए आया हूँ उस काम के लिए जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है वही मेरा लक्ष्य है। और अगर हम बात करें तो उनके व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व में एक चीज तो ये बिल्कुल साफ है कि कल्याण सिंह अपनी शर्तों पर रहे, अपनी शर्तों पर काम किया, अपनी शर्तों पर जिए, अपनी शर्तों पर गए। अब उन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं जिसकी दो पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। शूलों से खेला हूँ लेकिन फूलों से मनुहार नहीं, टूक टूक तन हो लेकिन झुकना मुझको स्वीकार नहीं। और ये हमेशा ही ये ऐसा रहा कि वो उनका तन भले टूक हुआ लेकिन उन्होंने किसी के आगे झुकना। जी संजय, आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि किसी के आगे झुकना उन्हें स्वीकार नहीं था, और ये बात लगातार जब हम श्री राम मंदिर की बात करें अयोध्या में, तो 6 दिसंबर 1992 को उन्हीं की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हालांकि उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उस समय जब ढांचा मस्जिद का गिरा, लेकिन लगातार यही कहते रहे कि एक, उन्हें मालूम नहीं था ऐसा होगा, और दो, जैसा मेरे सहयोगी संजय भी बता रहे थे कि एक, क्या श्री राम मंदिर पर हजारों सरकारें कुर्बान, और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उमा भारती जी भी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर इस समय वहां पर मौजूद है। अब से थोड़ी ही देर में कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उनकी आखिरी इच्छा यह थी कि एक दिव्य भव्य राम मंदिर बने जिसमें वो पूजा अर्चना कर पाए, जिसमें वो दर्शन के लिए जा पाए, वो नहीं हो पाया, लेकिन निरंतर, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि माता पिता ने नाम रखा कल्याण और जन कल्याण ही लगातार उनका लक्ष्य रहा। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अब अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा है। इससे पहले अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में उनके पार्थिव शरीर को रखा भी गया था। और मेरे सहयोगी संजय शर्मा एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार के कई बड़े मंत्री इस समय वहां मौजूद भी हैं, और ये दिखाता है कि कितनी अहम भूमिका रही थी उनकी भारतीय जनता पार्टी को 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में
सरकार के लिए भी और स्थापित करके मजबूत करने में भी उनकी कितनी अहम भूमिका रही। कंधा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगे बढ़ रहे हैं। संजय जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसके अलावा उमा भारती यहाँ पर मौजूद हैं, स्मृति ईरानी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री यहाँ मौजूद हैं और जितने पुराने नेताओं में कई नेता यहाँ पर स्वतंत्र देव प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, तो लगभग मंत्रिमंडल के सारे सदस्य मौजूद। डॉक्टर महेश शर्मा भी यहाँ, मैंने भी उनको देखा है, यहाँ मौजूद है। तो बस अब थोड़ी ही देर में उनके पार्थिव शरीर को गंगा स्नान करा दिया गया है, अंतिम स्नान उन्हें यहाँ पर पिता स्थल पर लेकर आ रहे हैं और इसके साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच और एक राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर जाएगा। तो ये वो मौका आता है जब आदमी का भौतिक शरीर छूटता है और यशस शरीर की यात्रा आरंभ होती है, तो वो यशस शरीर की यात्रा आरंभ करने के लिए और इन पंच तत्वों से बने हुए इस शरीर को पंचभूतों में ही विलीन करने के लिए, यानी ये जीवन का चरम और परम सत्य है और इस सत्य की गवाह बनने के लिए हजारों लोग यहाँ आसपास मौजूद हैं। जब उनका वो सेना का ट्रक, ये फूलों से सजा हुआ ट्रक है, ट्रक पर जब उनके पार्थिव शरीर कराया गया तो जनता बेकाबू हो उठी, घंटों से इंतजार कर रही थी। जनता जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो बेकाबू हुए और पूरा दिगंत इन नारों से गूंज गया, जब तक सूरज चांद रहेगा कल्याण सिंह आपका नाम रहेगा। और बस अब ये इस भौतिक शरीर की यात्रा का अंतिम पड़ाव यहीं पर है, नरोरा गंगा की धार के, पवित्र धार के बिल्कुल बगल में लगभग 150 मीटर दूर गंगा की धार बहती है और यहीं एक वेदी बनाई गई है जहां 25 से ज्यादा आर्य समाज के आचार्य और विद्वान पुरोहित यहां मौजूद हैं, जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सनातन विधि से उनका अंतिम संस्कार करेंगे और अंतिम संस्कार के बाद यहीं पर उनका अस्थि संचय होगा। और इसके बाद फिर सरकार और पार्टी ने तय किया है कि जिस जनता के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया और जिस राम भक्तों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जो गर्व के साथ कहते थे कि वो राम भक्त हैं और जिस मकसद से उन्होंने सत्ता में वो गए हैं, तो वो मकसद पूरा करने के बाद सरकार रहने है या जाए उसे उनकी चिंता नहीं। और 1992 में उन्होंने यही किया था, अपना लेटर हेड मंगवाया और वहीं पर अपना इस्तीफा टाइप कराकर उन्होंने राज्यपाल को भेज दिया था। इससे पहले कि केंद्र सरकार कोई और कदम उठाए उन्होंने ये तय कर लिया था। तो जिस तरह से इनकी बाकी कृतित्व की बात करें, इन्होंने कुछ ऐसी कविताएं भी लिखी है, किसानों को केंद्र बनाकर कविताएं लिखी है और वो कविताएं उनकी कई पंक्तियां बिल्कुल छू जाने वाली है। हर जवान को काम मिले, हर नारी को सम्मान मिले, हर बच्चे को मिले पढ़ाई, हर संत को उत्थान मिले, खेत खेत को मिले सिंचाई, हर रोगी को प्राण मिले, झोपड़ियों में जगह जिंदगी, बस्तियों में जगह जिंदगी, फूटे घर घरों से तेरे, टूटी छान छपरिया रे, सुराखों से पानी टपके, भीगी तेरी खटिया रे, इस सड़ांध में आग लगा दे क्रांति भरे अंगारों से, इस कंगाली के दाग मिटा दे तीज और त्योहारों से। ये उनकी कविताओं की कुछ पंक्तियां हैं जो बरबस याद आती हैं कि उन्होंने किस तरह से सादगी के साथ अपना जीवन जिया और एक मकसद के साथ, गोल उनके निगाह में जो लक्ष्य है वो उनके निगाह में बिल्कुल पहले से तय था और लक्ष्य वही था कि एक दिव्य भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो। और उसके लिए इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद को भी एक तरह से तिलांजलि दे दी। जैसे ही वो ढांचा गिरा, विवादित ढांचा गिरा, उसके बाद इन्होंने त्याग पत्र दे दिया।